Hi friends, welcome to our channel Travelholic Robin. हम लोग मुंबई टू लोनावला जा रहे हैं और इस बार हम लोग अकेले नहीं है, फैमिली के साथ जा रहे हैं। मम्मी और भाई भी आए हैं। सुबह हम अराउंड 9 o'clock निकल गए थे और मौसम काफी अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है, फॉग है, मजा ही आ गया। बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा धीरे जा रहे हैं। अभी थोड़ा एक हॉल्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, भूख भी लग रही है। टोल क्रॉस करने के बाद ये बड़ा सा फूड कोर्ट आता है। ब्रेकफास्ट में हमने लिया है खमन ढोकला, वड़ा पाव, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं और फॉग भी काफी बढ़ गया है। हम लोग लोनावला पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोनावला लेक और बारिश की वजह से यहाँ पे अभी काफी सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग एकदम टॉप पे ट्रैक करके भी जाते हैं। हम लोग यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं। यहाँ पर आप लोग मैगी और भुट्टा भी ले सकते हैं। सो गाइस, हम लोग हमारे लोकेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश है तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, बारिश कम हो जाएगी फिर हम लोग चेक इन करेंगे। डबल दिख रहा है, 3D इफेक्ट दे दिया इसने। ये रिसेप्शन एरिया है, हम लोग चेक इन की फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। चेक इन के टाइम वेलकम ड्रिंक भी प्रोवाइड किया जाता है गेस्ट को। महाराष्ट्र में मॉनसून शुरू हो गया है। मुंबई कर और पुणे कर के लिए जो फेवरेट गेटअवे डेस्टिनेशन है वो है लोनावला। सो हम लोग आज आए हैं लोनावला और यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले एक प्रॉपर्टी, इसका नाम है स्काई रूमर्स। यहाँ पे 3 types ऑफ डिफरेंट रूम्स हैं, पूल फेसिंग रूम्स हैं, स्काई विला और स्वीट। हमने एक स्काई विला लिया है वहाँ पर और एक है ये पूल फेसिंग रूम। जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स हैं उनका नाम फ्लावर्स के बेसिस पे है और जो स्काई विलाज है उनका नाम बर्ड्स पे है। सो पहले हम लोग ये रूम एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ये जो हमारा विला है इसका नाम है रोज विला और ये पूल फेसिंग है। रूम काफ़ी स्पेशियस है और रूम में किंग साइज बेड, एसी, साइड टेबल्स और काफ़ी वाइड विंडोज़ हैं, एलईडी। यहाँ पे है वार्डरोब, मिनी फ्रिज, टी कॉफ़ी मेकर और यहाँ है वॉशरूम। सोफ़ा टेबल और यहाँ पर ऊपर डबल मैट्रेस भी है, तो अगर आप लोग फैमिली में आते हैं तो ये प्लेस परफेक्ट है। यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी का बेड है और यहाँ से भी पूल व्यू मिलता है और ये विंडो भी ओपन होता है। ये है किंगफिशर स्काई विला, ये है स्काई विला। इसका जो इंटीरियर है वो एग्जैक्टली जो अभी हमने पूल साइड रूम देखा था उसकी तरह है। यहाँ पे किंग साइज बेड, एसी, वाइड विंडोज, एलईडी।
ये है वॉशरूम विथ बाथटब। और यहाँ पे भी ऊपर आपको मिलता है डबल ऑक्यूपेंसी का मैट्रेस। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर है डबल ऑक्यूपेंसी का मैट्रेस, तो अगर आप लोग फैमिली में आते हो तो ये परफेक्ट है। और यहाँ से आपको पूल के साथ लेक व्यू भी मिलता है। Two hours later. लंच में है तवा रोटी, पनीर बटर मसाला, दाल तड़का और नान। हमारा लंच हो गया है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। बारिश तो हो रही है, अभी फॉगी भी हो गया है। सोच रहे पूल में थोड़ा मज़ा ही किया जाए। सो लेट्स गो, इट्स पूल टाइम। कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे। इधर देखो, तुमने बोला था गरम है। गरम बोला तेरे को? कहाँ गरम है। पूल में काफ़ी इन्जॉय किया। फिलहाल हम लोग चाय ले रहे हैं, साथ में कचौरी, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। रूम के बाहर ये अटैच्ड सिट आउट है, यहाँ पे बैठ के मैं मौसम का मज़ा ले रही हूँ अपनी चाय के साथ। यहाँ से लोनावला का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट बुशी डैम अराउंड 1 किलोमीटर है। हम लोग सोच रहे थे आज वहाँ जाने के लिए, लेकिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है और काफ़ी फॉग भी हो गया है, इसलिए हम लोग आज नहीं गए। देखते हैं कल मौसम कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। डिनर में है चिली पनीर, टमाटो सूप, बिरयानी। लंच से ज़्यादा अच्छा मुझे डिनर लगा। खाना एकदम गरम गरम सर्व किया है, अभी तक धुआं आ रहा है। स्विमिंग पूल में लाइट्स भी लगी है और ये लाइट्स रात को ऑन करते हैं। The next day. Good morning, friends. आज हमारा डे टू है लोनावला में। पूरी रात भर बारिश हुई है, अब जाके बारिश थोड़ी कम हुई है और अर्ली मॉर्निंग काफ़ी फॉगी भी था। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये यहाँ का इन हाउस रेस्टोरेंट है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना मील ले सकते हो, नहीं तो आप लोग रूम पे भी मंगा सकते हो। हमने जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड किया है हमारे पैकेज में, और बूफे है ब्रेकफास्ट में, तो हम लोग रेस्टोरेंट में आके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमने 2 रूम्स बुक किए थे, 2 रूम्स के लिए हमने टोटल पे किया है 12,000 रुपीज, जिसमें सबके लिए ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है विथ ऑल टैक्सेस। जो रूम पूल फेसिंग ग्राउंड फ्लोर पे है उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम है स्काई विला से। और फिर आता है स्वीट रूम विथ प्राइवेट हीटेड पूल, उसका प्राइस स्काई विला से थोड़ा और ज़्यादा है। गाइस, हमने चेकआउट कर दिया स्काई रूमर से। हमारा ओवरऑल स्टे अच्छा रहा और फुल टाइम बारिश थी, इसलिए हम लोग बाहर कहीं नहीं गए और खाना पीना सब हमने रूम पे ही किया। सो
हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बुशी डैम और फिर हम लोग जाएंगे एक दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए लोनावला की। सो ये व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू।